नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में है दो बड़े सेलिब्रिटी। जैसे एक टीचर है, एक टीचर सेलिब्रिटी होता है, यानी जिसके साथ अरे बच्चे सेल्फी लेने लग जाए वो टीचर सेलिब्रिटी हो गया। जैसे मान लो आप एसआई में पहली रैंक आओगे तो आप एसआई नहीं, आप एसआई सेलिब्रिटी हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ लोग सेल्फी लेने लग जाएंगे। तो एक तरफ हरियाणा विराजमान है मेरे, और दूसरी तरफ बिहार है। ये प्रदीप जी सर है हरियाणा से, और इधर है विपिन जी सर बिहार से। आज बहुत मजा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने बहुत सारे सवाल भी कहे कि इन गुरुजी से पूछो पूछो, सारे सवाल पूछूंगा, एक एक बात पूछूंगा। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी बातें काम आए, इनके लाइफ की जर्नी वगैरह। तो हमारे विपिन जी सर, सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूँ कि गुरुजी, थोड़ी सी अपनी स्ट्रगल लाइफ शुरुआत की। मान लो आप यूट्यूब पे आई, सबसे पहले पहला आपने वीडियो डाला, तो पहला तो क्या सोच के डाला? गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। समझ हाँ गए? नहीं, सर। पहले आप ऐसा करो, वो गीत सुनो, कौन सा सर? कोई भी, आप शुरुआती गीत से करते हो। हो मेरे नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते वाह हैं। क्या दर्द है। दोस्तों, सर ने बता ही दिया, मैं विपिन यादव, चूंकि हमारा चैनल का नाम मैथ मस्ती, और हमारे साथ मौजूद है जो राजस्थान के मशहूर टीचर। और सर, आप जो कह रहे हैं कि यूट्यूब पर मैं इतना फेमस हूँ, लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हमारे बिहार के हमारे एक अंकल हैं जो FCI में जॉब करते हैं, वो मैनेजर हैं अभी, और वो आपको जानते हैं यहाँ से। उन्होंने अरे यहाँ अभी उसका पर मतलब मैं बिहार में आपको जानता हूं, खान सर को, और बिहार वाले भी जानते हैं वो मुझे। मतलब वो पढ़ाई वहाँ किया, जॉब वहाँ से हुई उनकी, अच्छा। और आपसे बिना पढ़े वो जानते हैं। वो बिहार से थे, यहाँ आपसे पढ़े नहीं, और आपकी चर्चाएं राजस्थान में ऐसी थी कि वो हमें खुद क्या वहां कहने बात गए है, खुश कर दिया आपने तो। जब। तो सुभाष शरण सर हैं, और सर का भी चैनल है हमारे साथ प्रदीप सर, प्रदीप जी सर। एक वीडियो में आप देख चुके होंगे पहले भी। और सर ने पूछा कि सर आपकी स्ट्रगल लाइफ जो यूट्यूब पर आपने शुरू किया, तो मैं सच में बताऊं कि सर हमारी इंग्लिश इंग्लिश में मैं बहुत पैदल हूं, वो हमारी भी और हालत तो खराब तो सी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और YouTube YouTube की जहाँ बात करते, तो मुझे ये लगता था कि YouTube का कोई आदमी होता होगा, वो वीडियो डालता होगा। चेक करता हूँ, मैं भी सोचता था हाँ मतलब यूट्यूब पे कोई गलती नहीं है तो कोई चेक करता होगा इनको, फिर हाँ डलते हाँ जी, मैं। ऐसा मतलब कोई हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति नहीं डालता होगा, हाँ 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 बिल्कुल ऐसे हम सही है, सोचते थे। बिल्कुल। तो हमारी सबसे पहली शुरुआत हुई Facebook पर, हमने वीडियो डाला। वो क्यों डाला? हमारा एक स्टूडेंट मुंबई में जॉब करता था, रेलवे ग्रुप डी में, तो उसकी जो पोस्टिंग थी ना सर, तो मतलब शहर से थोड़ा हट के था कहीं, और गेट गिराने उठाने वाला काम था उसका, गेटमैन। तो वो परेशान हो गया था। वो सोचता था ना कि मुझे कुछ अच्छी जॉब मिले, तो वो मुझे फ़ोन किया कि सर मैं अपनी जॉब छोड़ के आ रहा हूँ, मुझे SSC की तैयारी करनी है आगे। तो मैंने उसे मना कर दिया कि तुम जॉब मत छोड़ो, आगे तैयारी करो किसी तरह। तो उसने कहा कि सर यहाँ आसपास कहीं कोचिंग नहीं है, और हमारी ड्यूटी कभी रात में लगती है, शिफ्ट होता है उसका, चेंज होते रहता है, कभी रात में कभी दिन में। तो सर ऐसे में परेशानी आ जाती है, और हम कोचिंग ज्वाइन कर नहीं सकते, अब रात में कौन कोचिंग वाले हमें पढ़ाएंगे? तो आप एक काम कर दीजिए। तब उसने हमें ही बताया, उसी ने बताया कि सर आप क्लास लेते रहते हो, किसी से रिकॉर्ड करवा देना फोन से, और फेसबुक पर डाल देना सर, हम वहां से देख लेंगे। उसे भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पर वीडियो कोई साधारण बिल्कुल व्यक्ति डाल सकता है। सर, मैं बीच में बोल रहा हूं, जी मैं 2 महीने तक तो इधर उधर कंप्यूटर वालों के पास फिरता रहा हूं कि यूट्यूब पे कैसे डाला जाता सही बात है सर। तो है। मैंने वीडियो बनाया, और जब मैं पढ़ाता था तो एक स्टूडेंट को अपना फोन दे दिया कि तुम पढ़ना भी और रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड करना। करना। अब ये भी नहीं समझ में आता था कि पहले इसका स्टैंड होता है, कोई माइक होता है ना, क्या क्या जुगाड़ होता है, ये नहीं जानते थे। तो हम कहे कि बस रिकॉर्ड करना, वो रिकॉर्ड करता था, कुछ हिलते डुलते रहता था। उसके बाद मैंने वीडियो डाला फेसबुक, और फेसबुक पर लंबी वीडियो डलती नहीं जल्दी सर, और वाईफाई वाला बात नहीं पता, तो मोबाइल के डाटा से वो अपलोड होना बड़ा समझे। मुश्किल होता था। तो फिर छोटा छोटा वीडियो करके उसको डालने का प्रयास किया। अब वीडियो कट करे कैसे, तो वो चीज़ें सीखी। तब जाके धीरे धीरे पता चला कि फेसबुक पर मुश्किल हुआ, तो यूट्यूब पर तब पता चला कि यूट्यूब पर भी वीडियो डाला जाता है, किसी किसी ने बताया। और वही सब सर्च करने के चक्कर में ये पता चल गया कि भाई यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो पैसे मिलते हैं, तो ये सिलसिला चलते रहा आगे सर। यूट्यूब की शुरुआत ऐसे हुई। अच्छा, जी उसके बाद में मान पहली तनख्वाह आई यूट्यूब से, जी तनख्वाह सर ही मान ले वो जी 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 तो जी क्या फीलिंग आई, सर कितने बहुत आए थे याद है क्या आपको, जी सर कितने? बहुत दिन बाद आया था सर। हम जैसे वीडियो बना लिए, 1 साल तक हम पढ़ाते रहे,
एक साल तक, और एक साल में हमारे और अब आपने देखो एक साल तक स्ट्रगल किया है यूट्यूब पे बगैर पैसे जी। और मैं कई बार देखता हूँ यूट्यूब पे, मतलब कई बार पूछते हैं गुरुजी यूट्यूब पर वीडियो डालना है और पिस्सा कब तक आ जाएगा, ये देखो डालने से पहले जी, जी, और आपने एक साल तक वेट किया। ये उत्सुकता हमारे अंदर भी था सर, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पर देखा तो लोग बताते थे कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाएगा, 1 लाख व्यू हो जाएगा तो पैसा मिलने लगेगा। तो हमने प्रयास किया कि जल्दी कर लेंगे इसको हम, तो शुरुआत की। और शुरुआत में सर एक साल मुझे लग गया था 10,000 सब्सक्राइबर होने में, तब तक पैसे नहीं आए थे। आजकल अब सोचो सर, जब 1000 सब्सक्राइबर हो गया था उस दिन से मैं हर घंटा देखता था कि पैसा आएगा कि नहीं पैसा आएगा कि नहीं। और ये बहुत लंबा सिलसिला चला एक साल तक, मैं चेक करता था, धीरे धीरे पता होता था कि अंदर में कुछ सेटिंग होता है, मेल करना होता है यूट्यूब को मोनिटाइज के लिए, $10 पे वो एक पिन आता है। मुझे इंग्लिश आता नहीं था, सारे चीज उसमें इंग्लिश में लिखे रहते हैं। अब पता करते करते बहुत मुश्किल होता था, ये करते करते तब अंडर रिव्यू में लिया चैनल को, हमारे चैनल को अंडर रिव्यू, ये बहुत दिन तक अंडर रिव्यू ही लिखते रहा, फिर भी मैं कंटिन्यू वीडियो डालते रहा। एक साल जब बीत गए, एक दिन अपने आप ऐड चल गया। एक व्यक्ति को मैं सिखा रहा था, एक टीचर ही थे, वो बोल रहे थे कि सर आप कैसे वीडियो डालते हैं, तो मैंने बताया कि देखिए ऐसे ऐसे डालते हैं और ऐसे चलेगा, अपना जो चलाए उसी समय ऐड आया। अरे वाह क्या खुशी हुई और ग्रीन दिखाया वहां पर सर मोनिटाइज का डॉलर। तो कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा, बीच में ऐड लगाने की कोई सिस्टम नहीं पता था। अब मैं खुश हो गया कि अब तो पैसे आएंगे, और फिर बनाते रहा। और 2018 में सर, 17 में मेरा चैनल बना था, 18 में आया था वैकेंसी आपका रेलवे का टेक्नीशियन लोको पायलट का, तो उस समय हमारे सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़े थे। तब मैं इंतजार में था सर, डॉलर तब शो हो रहा था, बीच में मैं ऐड लगाना भी सीख गया, फिर डॉलर बन गए थे, तब हम सोचते थे कि अब तो पैसा आएगा, फिर ये नहीं समझ में आता था कि पैसा भेजेगा कौन हमारा घर YouTube मतलब किसके द्वारा भेजेगा भाई, हमारा तो कोई पता नहीं लिया उसने। तो संजोग से क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट हमसे पढ़ते थे, एक लड़की थी, तो वो उस समय सर 100 रुपया महीना लेकर WhatsApp के द्वारा, मतलब हम YouTube पर ही अनलिस्टेड करके एक पेड कोर्स चलाते थे जीवन यापन के लिए, हाँ, तो उनके पति भी यूट्यूबर थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि सर आपके बीच में तो कोई ऐड उड नहीं लगती है, और वो यूट्यूबर थे तो उन्होंने पूछा कि आपकी कितनी अर्निंग होती है। हम बोले कि अभी तक तो नहीं मिला। तब उन्होंने बताया कि आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर उसमें डाला है, अकाउंट नंबर डाला है आपने, पिन आया है आपको गूगल से। हमने बोला कि मुझे तो कुछ नहीं है। अब उन्होंने आके मेरा सारा काम कर दिया और तब जाके हमारी अर्निंग आई थी सर। एक बार तो पिन आया सर, लौट भी गया, मुझे तो डाकिया पहचानता ही नहीं था। आज आप कह रहे हो कि सेल्फी लेने के लिए लोग मिलते हैं, उस समय डाकिया नहीं पहचानता था मुझे, लौट गया। तो मुझे उन्हीं ने ज्ञान दिया कि जाइए उसको पहले कुछ पैसा दे दीजिएगा और बोलिएगा कि जब वो आएगा आपके ऊपर तो फिर देंगे। तो मैंने उनको जाके 200 रुपया दिया और कहा कि जैसे ही मेरा पिन आएगा हम 500 रुपया और देंगे। जैसे ही आया मेरा पिन, उन्होंने फोन किया, हम दौड़ के उनके पास गए, पिन डाले सर और पैसे आए। पहली बार 47,000 रुपया आया था। और इसके लिए अपने तमाम छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से हम हमेशा देते हैं और आभारी रहेंगे इसके लिए। तो गुरु जी आपकी क्या मन में आई? सबसे पहले मैं यहाँ पर हरियाणा का आज सौभाग्य मानता हूँ। वैसे राजस्थान से ही होगा आप? नहीं, बैकग्राउंड सर जैसे हमारे दादाजी है ना, वो राजस्थान से ही है और बाद में यहाँ पे मूल उत्पत्ति स्थान है ना राजस्थान, राजस्थान से ही है। और गुरु जी सबसे पहले मैं हरियाणा की धरती का सौभाग्य मानता हूँ कि यहाँ पर राजस्थान के मैं तो बादशाह ही मानता हूँ सुभाष गुरु जी, और बिहार की आन बान शान विपिन सर हमारे बीच में है, और इनके बीच में तो मैं बहुत छोटा हूँ। नहीं, 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 वो कहते हैं उससे शुरुआत करो। वो विपिन सर की जो स्ट्रगल लाइफ को देखते हुए मेरे को वो कहते हैं ना, स्ट्रगल लाइफ ठीक है, वो कहते हैं ना विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही बहुत है मंजिल तक ले जाने के लिए। और जो विपिन सर ने संकल्प लिया था कि चाहे पैसा आए ना आए मैं कंटिन्यू मेहनत करूंगा, और सर यही सक्सेस। नए यूट्यूबरों में संयम नहीं होता, सबसे बड़ी कमी, उन्हें लगता है कि बस तीसरे चौथे दिन तो डॉलर आ जाना चाहिए,
और उन्हें ये लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे तो कोई पढ़ाता नहीं, हाँ, तो हमको तो जल्दी होना चाहिए जल्दी। लेकिन ऐसा होता नहीं, आपने ऐसा सही नहीं। अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो कंटिन्यू मेहनत कंटिन्यू। आज हाँ। तो मैं मानता हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर करने कम से कम 1 साल लगे, बहुत कम रेयर केस में ऐसे लोग हैं जो जल्दी उठते हैं, बाकी 1 साल लगते हैं 1 लाख। और सर यूट्यूब की जर्नी की बात रहे ना, यहाँ पर सुभाष गुरु जी को लगेगा कि मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैंने ना सबसे पहले जो संयोगिता वाली वीडियो तो वायरल हुई थी, आज भी हर बच्चे के मोबाइल में मिल जाएगी गुरु जी की, वो तो हाँ हाँ सर हमारे परमात्मा है उन्हीं की वजह से। तो सर क्या हुआ कि इन्होंने ना एक नए साल पे एक वीडियो डाली थी, खुद को अजमाओ, ठीक है, वो वीडियो देखकर सर उससे पहले मैं मतलब चैनल के बारे में नॉलेज नहीं थी, ये तो सोमवीर भाई का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को इस लाइन में लेकर आए। तो सबसे पहले सर उन्होंने गुरु जी ने वो वीडियो डाली थी खुद को अजमाओ, और गुरु जी ने कहा था कि पहले है ना मतलब व्यूज नहीं आते थे, हम इतने वीडियो को शेयर करते थे, लेकिन आप कंटेंट देते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा और लाखों में व्यूज आएंगे और डेली सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो इन्हीं को देखकर मैंने चैनल मिलाया और आज गुरुजी मेरे पास में बैठे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। पुराना है बहुत, हाँ, दो तीन मैंने देखा था सर, मेरे चैनल बनने से पहले मैंने उस वीडियो को देखा था, वो 2-3 साल पहले, और वो बनाते ही बहुत लोगों ने बनाए थे चैनल, मेरे पास व्हाट्सएप भी आते थे गुरुजी हमने बनाए आपको देखे, तो वही बात है, अभी 100 लोग बनाते हैं तो सक्सेस तो 4 या 5 ही हो पाते, क्योंकि वही मेहनत करते हैं, बाकी तो सोचते हैं 10 दिन में सब कुछ हो जाए, 4 दिन में हो जाए, संयम बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, तो एडसेंस वाली कहानी, क्योंकि जो कमाई यूट्यूब की कमाई में जो आनंद है ना, मैं बता रहा ना आज भी मैं दुरीना से 10 गुना कमा रहा हूँ, लेकिन मैं यही देखता हूँ, दुरीना से नहीं देखता कि कितने आ रहे हैं, मैं ये जरूर चेक करता है कितने बने ये रियल सेटिस्फेक्शन होती है इससे सर, बिल्कुल। और एडसेंस की बात है सर, मेरे को तो आज भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ये सोमवीर भाई का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ, जितनी भी टेंशन थी ना एडसेंस वाली भाई संभालता था, और सर 1.5 साल तक कोई पेमेंट नहीं आया था हमारा, और पहली पेमेंट आज भी है, 24,000 की पहली पेमेंट आई थी भाई, 24,000 की पहली पेमेंट आई थी, और वो बैंक वाला कभी बैंक वाले के पास जाना, कभी कहीं जाना सर, दो बार पिन वापिस भी भेज दिया था सर, अब स्विफ्ट कोड पता ही नहीं था बैंक में, बैंक क्लर्क को अब याद है वो स्विफ्ट कोड नाम से याद, वो हमें पूछता था स्विफ्ट कोड क्या होता है, और तीसरा लास्ट ट्राई था सर, उसमें सक्सेसफुल वो पिन जनरेट हो गया और उसके बाद सही चल रहा है सर। और मैं तो मतलब विपिन सर का और सुभाष सर का हमेशा इनको फॉलो करता रहा हूँ, और बहुत से बच्चे इनको मतलब पूरा बिहार नहीं मैं कहूँगा पूरा इंडिया गुरुजी दोनों गुरुजी को फॉलो करता है, और मेरा तो सौभाग्य है आज दोनों गुरुजी मेरे पास बैठे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, बहुत बात आ रही है नहीं ये मतलब अपने जिस जिन गुरुओं के साथ है ना सेल्फी खिंचवाने के लिए पूरा इंडिया तरसता है, और वो गुरुओं के साथ मैं मन साझा कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा कोई सर, बात हम नहीं तो बड़ा आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, हमारे गाँव में कहीं भी जाके आप देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे दोस्त हैं, अब बूढ़े भी दिन भर नहीं जरूरी है सर, जब मैं बिहार गया था ना मैंने यही नोट किया था गुरुजी, जब इनके ये फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं इस वजह से गुरुजी, जब मैं बिहार गया था ना सुबह 7 बजे उठते ही ना इनके गुरुजी के घर है ना मतलब छोटे छोटे बच्चे शुरू हो जाती होगी, हाँ। प्रभु ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, और गुरुजी की सबसे बड़ी बात क्या है सर, इन्होंने 4 टीचर रख रखे हैं सर, सभी बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, और उन टीचर को ना हर मतलब पैसा है अपने पास से कम 1 टीचर को 3,000 रुपए तो मिनिमम हो 1500 दे रहे हैं सर, 1500 दे रहे हैं, 9 टीचर है टोटल, 9 टीचर है, तो सर ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये सब बच्चों आपकी बदौलत है, हाँ, सही ठीक है, ये अगर हम आज हमें कुछ चंद लोग जानते हैं ना तो इसके पीछे आप हो, और सिर्फ है आप हो, पिछली बार आपने मुझे बताया था शायद मैं 300-400 रुपये में पढ़ाता था, हाँ, हाँ, मुझे भी अच्छा लगा, 500 रुपया लाइफ टाइम मुझे जब तक नौकरी ना हो जाए पढ़ते रहो, वैसे हमारे बच्चे देखते होंगे, इतने यूट्यूबरों से मिला हूँ गुरुजी, और भी बहुत सारे राजस्थान से मिले, लेकिन जिन लोगों ने निस्वार्थ काम किया ना यूट्यूब पे वो तो उठे, और जो किसी स्वार्थ से आए ना सच में उन लोगों ने प्रगति नहीं की, ये मैंने देखा है अभी अभी लॉकडाउन में भी देखा है, जो निस्वार्थ कर रहे हैं ना बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, जिनके बारे में आपसे भी मिला, इनसे भी मिला है, खान साहब से भी, और राजस्थान के बहुत सारे यूट्यूबरों से भी मिला हूँ, तो उनमें आपके भी देखा बोल नहीं मैं महंगे कोर्स नहीं दूंगा मेरे बच्चों से मैं नहीं करूंगा, ऐसा लगभग यूट्यूबरों में देखा है, उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है, ये एक चैन बना हुआ है सर, जब आप अच्छे काम करते हो ना तो सेटिस्फेक्शन होती है, और जब अंदर से खुशी होगी ना सर तो जोरदार काम करोगे, बिल्कुल अच्छा काम होगा तो फिर परिणाम अच्छे आने लगते हैं,
अब मान लो जैसे कुरापाती तो हर जगह ही है, सही है, कहीं भी जाओ तो मान लो आपकी नेगेटिव कमेंट आया तो मतलब क्या फीलिंग आती है? सर हम जैसे वैसे कमेंट आते हैं ना तो हम थोड़ा सा हंस लेते हैं, मजा आ जाता है, क्योंकि सब लोग अगर बहुत प्यार देंगे तो फिर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि सच में इस प्यार का क्या महत्व है। लेकिन जब वैसे भी कुछ कमेंट आते हैं तो लगता है कि भाई कितने लोग हैं जो मुझे चाहते हैं और एकाध लोग हैं जो मुझे नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, तो इससे आंकड़ा मिलता है कि भैया 99% लोग आपको चाहते हैं और 1% नहीं चाहते हैं। और लेकिन अगर वो भी नहीं, वो भी चाहते नेगेटिव तो लोग तो सर हर जगह होते हैं। आप सुबह हनुमान चालीसा ऑन करना, उस पे भी डिसलाइक मिलेंगे। रही बात सर फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता गुरुजी, मैं बताता हूँ सर, अगर 300-400 रुपए में हम लोग पेड कोर्स चला देते हैं, मैं जिस समय क्या मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ाया है, अन अकेडमी में पढ़ाता था, रियल बात यह है, तो उस समय 3,000-4,000 कोर्स के लिए बोला जाता था और उस समय मैंने छोड़ दिया था। और उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि 15-16,000 रुपया अर्निंग होती थी हमारी यूट्यूब से, वो तो 47,000 आया था मेरा कई महीने का एक बार जमा होकर, पहली अर्निंग, लेकिन 15-16,000 अर्निंग आती थी उस टाइम। और अन अकेडमी में जब प्लस कोर्स में क्या होता है सर कि 2,500-3,000 आप कोर्स का दाम लीजिए, मैं ही पढ़ाऊंगा। तो मैं ये सोचता था कि 2,500-3,000 का हम क्या पढ़ाएंगे उसको एक महीना में। हाँ, वो भी सही। और एक महीने में कोर्स कराना होता है, 20-22 चैप्टर आपको पढ़ाना है तो 22-25 दिन में आपको पढ़ा देना है। बिल्कुल सही। तो हम ये सोचते थे सर कि हम उसको क्या पढ़ाएंगे और इतने पैसे बच्चे कहाँ से देंगे, हमसे पढ़ने वाले लगभग गरीब बच्चे सर जुड़े हुए होते हैं। तो हम ये सोच लिए कि ना ये चीज हमसे नहीं चलेगा, और मैंने नहीं चलाया, मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया। मुझे प्लेटफॉर्म मिला धुरीना पर, और बिंटू सर और सोमवीर सर का हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि इन्होंने यहाँ से हरियाणा से खोजते खोजते बिना हमसे बात हुए, हमारे सोमवीर सर, सर बस पकड़ के ऑटो पकड़ के कैसे कैसे पटना से ये पहुंचे मेरे गांव। हाँ। मैं पटना में भी नहीं था और ना इनसे हमारी बात हुई थी, और पहुंच के इन्होंने हमसे बात किया। तो पहली बार मैंने सर से मुझे भी ढूंढ लिया इन्होंने। हाँ, मैंने इनसे एक ही बात कहा कि भाई पेड कोर्स हमसे ना चलेगा, ये हमसे नहीं होगा, हमारी जुबान लड़खड़ा जाती है जब पेड कोर्स हम बोलते। तो इसलिए मैंने धुरी ना छोड़ दिया। सर ने कहा कि सर आपको जैसे पढ़ाना हो, फ्री पढ़ाना हो, 100 में पढ़ाना हो, 200 में पढ़ाना, जैसे पढ़ाना हो पढ़ाना, हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसी वजह से मैं धुरीना के साथ जुड़ गया था सर। और सर आज जो 200-400 रुपया हम लोग लेते हैं ये जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये इतना जो ऐप अपना चलता है, इतने स्टाफ होते हैं, सारे काम करने वाले, इसे सहयोग राशि कह सकते हैं सर। फ्री में तो हवा भी नहीं मिलता, आप सांस लेते हैं तो आप सांस छोड़ते हैं तब आपको सांस मिलता है, अगर आप सांस छोड़ना बंद कर दीजिए अभी से आपको सांस नहीं मिलेगी। क्या बात है, तो भगवान ने फ्री में हमें एयर भी नहीं दिया, हवा भी नहीं दिया, भगवान ने हमें अधिकार नहीं दिया कि फ्री में आप तुम सांस लो। बिल्कुल, वो कहते हैं कि पहले जो लिया ना उसको छोड़ो। नहीं, ये तो भी हमने थोड़ी, ये गुरुदक्षिणा तो आदिकाल से चली आ रही है। हाँ। भगवान राम को भी गुरुदक्षिणा देनी पड़ी थी, भगवान कृष्ण को देनी पड़ी थी, और ये तो नॉर्मल है। और इतने तो बच्चे भी जानते हैं कि सर 300-400 रुपया देके हम साल भर सर से पढ़ते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा यही दुआएं मिल रही है और सबसे ज्यादा बच्चे भी संतुष्ट। कम से कम इतनी तो है कि अब हम लोगों के वजह से हमारे बच्चे 2,000-5,000 के कोर्स, 8,000 के कोर्स तो कहीं नहीं खरीदते हैं एक विषय पढ़ने के लिए। बाकी गुरुजी की एक बात मेरे को सुभाष सर की हमेशा से अच्छी लगी है, ये जब भी लाइव आते हैं कहते हैं पैसे नहीं कमाने, दिलों पे राज करना है। क्या बात, तो पैसे तो कभी कमा लेंगे, दिलों पे राज करना है। और मैं तो कहता हूँ सर, मैं अपनी जिंदगी में इतना सेटिस्फाइड हूँ अब कि मुझे क्या चाहिए। मैंने 8वीं क्लास में जाके हवाई चप्पल पहना था और 10th में मुझे पैर में जूते मिले। गुरुजी बच्चे आपको इतना प्रेम कर रहे हैं, आज तो सर वहाँ मिलता है ये सौभाग्य। मैं आज तो सर घर गाड़ी जमीन सब कुछ सर एक बार बताऊं, एक सेमिनार किया था मैंने, फ्री किया था मैंने, उसके बाद में बहुत हुआ कि यार सच में इनके लिए करना। एक सेमिनार किया था मैंने, पहली बार फ्री की घोषणा की, उसमें लगभग 500-600 बच्चे आए थे। तो बोर्ड उधर साइड था, बच्चे इधर बैठे थे 600। वो मैं 4-5 घंटे पढ़ा के जब मैं निकलने लगा तो इतनी दूरी के बीच में लगभग 100 फुट थी, तो मुझे लगभग पूर्ण घंटे लगे निकलने। ये सबसे बड़ी सर कमाई ऐसा है। प्रेम गुरुजी यही कमाई है, और मिलता भी नहीं है, पैसे देने से भी नहीं मिलता है।
तो और क्या चाहिए बच्चों का। अब तो गुरुजी मान लो, ये तो चलो आपने कमेंट बताया, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर प्रगति कर रहे हो तो लोग भी बोलते हैं नेगेटिव। अब अगर लोग नेगेटिव बोलते तब क्या दिमाग में आता? जैसे मान लो आपके बारे में बोलेंगे, आप कोचिंग से जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, शुरुआती दौर में तो ये बोलेंगे कि इसको क्या आता है कुछ नहीं, फिर आपका नाम अगर आप ज्यादा प्रगति कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं नाम ये आपके चरित्र पर उंगली उठेगी, कन्फर्म उठेगी भले कोई हो, और जब आप रुके से नहीं रुक रहे हो किसी से तो आपके चरित्र पर उठेगी, तब क्या प्रतिक्रिया। खास के मैं ये एक मिनट बताना चाहूंगा सर, जब मैं ये सबके साथ शुरुआत जो देख रहे हैं जो प्रगति करेगा होगा। मेरा क्या तरीका था कि गाना गा के पढ़ाना, पहले तो मैं गाना गाते एंट्री करता हूँ, तो हमारे जितने साथी टीचर थे जो शहर में पढ़ाते थे आसपास कहीं थे, बोले ये टीचर का व्यवहार होता है, गाना गा के पढ़ाता है, लफुआ है, आवारा है, ये क्या तरीका है भाई गाना गा के पढ़ाने का, ये क्या सिस्टम है। पर मुझे संदीप महेश्वरी की एक लाइन याद थी सर, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, बिल्कुल ये सबसे बुरा रोग है कि आप लोगों की परवाह कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी परवाह करनी है ना कि लोगों की, मैंने अपनी परवाह किया और अपना काम करते गया। आज मैं अगर कोई वीडियो में गाना ना गाऊं तो हमारे छात्र कहते हैं कि सर आप गाना नहीं गाए, आज मन नहीं लगा पढ़ने में। स्पेशल सर जैसे मुझे आप... मैं बताता हूँ, रूम खाली करवा दिया गया था मुझे गाना गाने के चक्कर में, हमारे मकान मालिक दो बार शायरी मारते गाना नहीं गाते तो आपके लिए ये उठेंगे, वो तो शायरी मारता है, शायर है कि टीचर है, बिल्कुल हुआ है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ लाइफ में सर, नेगेटिव की तरफ ध्यान ही मत दो, अब तो नहीं, जितना आप ध्यान दोगे ना सर अब नहीं होता सर। मैं तो एक ही बात फॉलो करता हूँ सर, बनना चाहते हो तो समुद्र बनो ताकि लोगों के पसीने छूट जाए आपकी औकात मापते मापते। तो हमेशा है ना आपको हराने के लिए साजिशें करनी पड़े और उसकी सर जीत से ज्यादा तो हमारी हार के चर्चे होने चाहिए। सही बात, ठीक है, जैसे अर्जुन की जीत से ज्यादा सर अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसने के वो ज्यादा चर्चे हुए हैं सर। और सर जब जीत निश्चित हो तो हर कोई अर्जुन बन सकता है, और जब मौत निश्चित हो और आप अभिमन्यु बन रहे हो, और ऐसे शौक जीवन में किसी किसी के पास होते हैं। क्या बात है, जब शुरुआत में आप आते हो और आगे वालों की जब आप बिसादे ही लाते हो ना, कन्फर्म आप आए हो, नए हो, युवा हो, तो आपसे पहले जो मार्केट है उनकी बिसादे ही लेगी। सही बात। तो फिर आपको खत्म करने के लिए कोई भी साजिश रची जा सकती है। सही बात। इन चीजों से मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं हमेशा क्लास में ही बोलता हूँ कि आपकी प्रगति कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एक चीज से बच जाना, वही वो जो बाबा फंसे हैं, एक चीज से बच जाना, तुम जो जचे वो बोलना, जिसके खिलाफ बोलना, कुछ भी कर लेना, तुम्हें कोई कोई नहीं ला सकता। बिल्कुल सही, तो इस चीज पे, और हम अध्यापकों को तो स्पेशल होना ही चाहिए जरूरी है, बिल्कुल, वरना आपको कौन रोकेगा, कोई आपकी ऊंचाई पे जब आपके चरित्र पर उठने लगे ना, तब आप समझ जाना कि अब आप लास्ट स्टेज पे ऊंचाई पे। सही बात है सर, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इससे, जरूरी है सर, इसीलिए तो सर हम आपको फॉलो करते हैं। मेरे गुरुजी इन चीजों का कभी कोई, क्योंकि मैं जब शुरुआत पढ़ाना शुरू किया था, चलो यूट्यूब से तो बाद में आई, तब से ये चीजें जुड़ती रही है, कहीं ना कहीं जुड़ती रहती है। और वो बात है, एक बार एक टीचर ने मुझसे कहा, गुरुजी यार के करूं क्या, मेरे यहाँ अंग नाम जोड़ता रहे हर के, मैं देख इंगो इलाज ये की है, तुम 45 साल को बनना पड़ो, अगर आप 45-50 के हो गए, आप पढ़ा रहे हो कुछ भी बोलो, आपके बारे में कभी ये नहीं बोला जाएगा। अगर आप युवा हो, आप चाहे कितने शरीफ हो जाना, आपके बारे में बोला जाएगा, तो मुना 45 साल को होना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है, बोलने दीजो बोल रहे। तो कुछ प्रश्न है, आप पे कुछ आरोप लगे हैं, एक तो आरोप कि आप शायरियां बोलते हो, आप पे आरोप है कि आप गाने बजाने। मुकेश रायका जी, अच्छा, इन्होंने पूछा है मेरे लिए कि मैथ कैसे पढ़ाना शुरू किया, तो मैथ तो जैसे और पढ़ाना शुरू करते वैसे ही किया होगा। जी जी जी, चलो ठीक है। महेंद्र कुमार जी मीणा, विपिन सर इतने फिट कैसे हो, ऊर्जावान। हमने पहला जवाब है सर, मैथ कैसे पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मैथ में मैं बहुत कमजोर रहा हूँ। अच्छा जी, मैथ में मैं बहुत कमजोर रहा हूँ, मैथ से मुझे इतना डर लगता था कि मैंने 12th में सर मैंने मैथ ही नहीं लिया। इसका मतलब हम इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, मैंने 12th में मैथ नहीं लिया, एक्स्ट्रा में मैथ रखा था सर, एक्स्ट्रा में मैंने मैथ रखा था, बायोलॉजी मेरा मेन था। क्या बात है, और बाद में मेरी ऊपर सन की चढ़ गई, फिर मैंने मैथ को रगड़ दिया, पीछे बाद में सीखा सर मैथ। ये मीणा जी पूछ रहे हैं, महेंद्र कुमार मीणा, विपिन सर इतनी फिट कैसे हैं, ऊर्जावान कैसे हैं, बताना पड़ेगा इसका राज क्या है। बात है सर कि हमें भी बताइए सर, बताना पड़ेगा। हम लोग देहात से रहे हैं और गांव से तो हम भी हैं, तो सर अभी तक हमारा खेल जारी है, मैं क्रिकेट डेली खेलता हूँ।
क्रिकेट तो हालांकि अलग से मैं कोई फिजिकल तो नहीं करता, तो यार छोड़ दिए, लेकिन मैं सर आज तक खेल रहा हूँ बहुत, क्रिकेट में बहुत कुटाया हूँ सर, क्रिकेट में पिताजी, क्रिकेट खेलने के चक्कर में पिताजी से बहुत कुटाया हूँ। मतलब आपको टाइम कब मिलता है फिर क्रिकेट के लिए? बस ऐसे ही निकाल लेते हैं। अच्छा, ये MS अंजू मीणा जी ने पूछा है कि वो कहते हैं ना, तो फिर कौन कहता है? पूछता है भारत आपसे कि कौन कहता है? सर ये कमेंट है, आगे इसने लिखा भी है कि अभी तक समझ में नहीं आया ओके कौन कौन सही बात सर। क्या होता है कि ये कमेंट है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो बहुत से बच्चों का भी ये कमेंट होता है। और ये शायरी क्यों बोलते हैं सर, जब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और शायरी से करते हैं तो एक क्लास का एटमॉस्फेयर सर चेंज होता जाता है। ऑनलाइन में तो अभी आए हैं, ऑफलाइन में जब शायरी से शुरुआत करते थे ना तो बच्चों में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है सर। उसके बाद आप 4 घंटे पढ़ा ले गुरु जी तो बच्चे है ना उठने का नाम नहीं लेंगे। सर वो कहते हैं ना, मतलब जब बता दिया तो सर वो बिग बॉस वाली है सामने आ गया तो फिर रह क्या जाएगा। हाँ, तो ये वही पूछ रहे हैं कि वो कहते हैं ना, तो कौन कहा था जो आप कह रहे थे? उसका नाम बताइए जो कौन कहा था जो बात आप। ये एक स्टडी लाइन है, उसने पूछा है कि जानकारी दे कि आज विद्यार्थी को यूट्यूब से जुड़ना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए या नौकरी, दो तीन बातें साथ ही पूछ रहे। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि पढ़ाई के साथ कोई यूट्यूब पे काम कराए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर आप में कोई टैलेंट है जो आपको लगता है कि आप दुनिया को दिखा सकते हो और दुनिया देखेगी तो जरूर सही है। करना चाहिए। जैसे मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाला सबको कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीज, जी जी जी, हर व्यक्ति और उसकी पहचान उसको करना पड़ेगा, उसको करनी पड़ेगी जी। अगर उसके पास कोई टैलेंट है, किसी के पास गाने का है, किसी को बजाने का है, किसी को डांस करने का है, किसी को पढ़ाने का, बेवकूफ बनाने की भी, ये भी एक कला रिलेटेड होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो वो उसी लाइन में जाए तो बहुत जल्दी प्रगति होगी। सर नौकरी के साथ अगर चैनल बनाए ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और आज के टाइम में सर नौकरी वाले को तो बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि सर उसको सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है और उसको समाज के लिए सर कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है। और जब सीखना बंद हो गया तो सर उस दिन जीना भी कोई जीना नहीं रहेगा, जीतना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और मैं सभी के लिए, गुरुजियों के लिए एक ही बात कहूंगा, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। सही बात है। वाह, कहते हैं ना सर कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, बिल्कुल वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। बिल्कुल, रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने की। वाह गुरुजी वाह, एक गुरुजी आपकी तरफ से भी शायरी हो जाए, हम तो सर दीवाने हैं आपकी शायरी के। गुरुजी की समझ में चिल्मा वाला ना कोई दे, समझ में कम आती गुरुजी। सुनाइए सर। उनकी गली से गुजरे अजीब इत्तेफाक था, समझ में आएगा? हाँ, उनके गली से गुजरे अजीब इत्तेफाक था, उसने फूल फेंका गमला भी साथ था, समझ में आया? फूल लगी कि गमला? ये भी बता, समझ में आ जाती है आप? हाँ सर। काश आप हमारे होते, क्या बात है, तो ना सिकवा ना शिकायत करते, मगर अफसोस कि यही जज्बात तुम्हारे होते। अब समझाओ इसको सर, काश आप हमारे होते, हाँ, तो ना सिकवा ना शिकायत करते, जब हम आपके होते तो सिकवा शिकायत दोनों होते। हम तो कह रहे हैं सर सिकवा शिकायत अपनों से होता है। काश आप हमारे होते तो ना सिकवा ना शिकायत करते, मगर अफसोस यही जज्बात तुम्हारे होते। मतलब काश तुम ये सोचते कि काश आप हमारे, आप भी हमारे होते। सेम फीलिंग होना चाहिए। तो नीतिक भामड़ा है शायद, FAMDA शायद भामड़ा ही होगा। प्रदीप जी के बचपन का सफर और जीके में रुचि कैसे, 3 प्रश्न पूछे एक साथ, 3 वरदान मांग रहा है ये, जीके में रुचि कैसे और हताश के समय क्या करना चाहिए? सर एक सबसे बड़ी बात है कि मैं जीके है ना सर, मतलब गुरुजनों को देख के ही सीखा हूँ। मेरा बेसिकली PG इंग्लिश से है सर, मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड है, MA इंग्लिश से हूँ, और गुरुजी को देख कर ना जीके की लाइन में आया हूँ। बहुत से इनमें बहुत से गुरुजी का योगदान है, कि कुछ को बॉलिंग के लिए इंडिया टीम में आया था, वो बैट्समैन बन गया, बैट्समैन तो बॉलर बन गया। नहीं सर, मेरे लाइफ में ना बहुत से जीके के टीचर ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनमें सुभाष गुरु जी है, बबीता मैडम जी है, जयवीर बाजिया जी है, सतवीर गुरु जी है, और एक राम कुमार सर है, वो एक्सपायर हो गए हैं, तो मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा सर, जो मेरे को मतलब इस लाइन में लेके आए। और ये लाइन है सर जो मतलब एक टीचिंग वाली लाइन है ना सर, इस जैसी रिस्पेक्ट कहीं भी नहीं है। मैं तो मानता हूँ एक आर्मी की रिस्पेक्ट है सर, और दूसरी टीचिंग लाइफ में,
और मैं सबसे बड़ा सर टीम दुरीना का धन्यवाद करता हूँ जो हम तीनों को मिला दिया सर, और गुरु जी के से मिलने का तो एक सपना था और आज गुरु जी के साथ बहुत दिन पहले ये सर टीम दुरीना का धन्यवाद करता हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था। और सर टीम दुरीना एक ऐसी ऐप है जो मतलब उनका एक सपना है कि जो बच्चे कर लेना आप सब यहाँ पे कोई होना चाहिए, यहाँ पे कोई प्रचार नहीं होगा लेकिन डाउनलोड कर लेना, हम तीनों लोग वहाँ मिलते हैं। ऐसी ऐप है ना सर, मतलब क्या है जो कम से कम दाम में ना जो बच्चा है ना कोई कहता है सर बहुत से कोर्स आपने भी खरीद किए होंगे सर, मैंने हमने भी किए हैं और आपने भी किए हैं। ऐसी ऐप है सर, कोई बच्चा कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, ले भाई तू फ्री ले ले, तू जॉब लग जा। और सर जो इससे सहायता स्वरूप राशि आती है, मैंने आपकी वीडियो देखी सर, पीछे हीटर भी दिए थे आपने, कंबल भी बांटे थे COVID-19 में, ऑक्सीजन सिलेंडर आपने कोई कंबल दिए थे सर, कंबल भी दिए आपने सर। ये बच्चे जो सहयोग करते हैं तो टीम दुरीना का एक ही सपना होता है जो कुछ पे कर सकता है ना उनसे हम लेके ना जरूरतमंदों तक हम उनको सहायता पहुंचा सके। मैं टीम दुरीना का भी धन्यवाद करता हूं जो हम तीनों को मिला दिया सर। सही बात, इनके साथ गुरुजी मेरी लगभग मैं कहीं जुड़ता हूं तो 3-4 महीने में खुल जाती है मेरी। बिल्कुल, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण आप बता रहे हो वो रहता है डायरेक्ट अनडायरेक्ट ये रहता है, क्योंकि जब बच्चा आ रहा है उससे आप 20,000-15,000 फीस लेते हो और उसे देते हो नहीं आप 3,000 का जी। अब क्या होता है मेरे साथ होती कि मैं जहां भी जुड़ता बच्चा आता और गुरुजी मैं तो थारे कारण आया, दिमाग खराब हो जाता था। बिल्कुल सर, आपका अच्छा नाम है, आप किसी संस्था दूसरे में जुड़ोगे आपकी वहां नहीं चलेगी, आप सिर्फ अपना अच्छा दे सकते हो बाकी पे आप नहीं कर सकते। अब कोई बच्चा अगर आपको ये कहता है मैं तो थारे कारण आया, आपकी वजह से एडमिशन लिया था गुरुजी, देखिए हमारा कोर्स नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बहुत लंबी चलेगी जी। क्योंकि इनको मैं कह देता हूँ 100 रुपये में फीस करे, हाँ गुरुजी कर दे कोई बात नहीं, 100 कर दे, तो ये सबसे अच्छी बात है। और ऐसे प्लेयर इनको मैंने एक ही बात बोली थी कि आप जैसे तैसे करके एक दो अच्छे नाम जोड़ लो, लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ते जाए। और सर जानते हैं जब मैं ऐसे ही हमें कोई भी कोर्स लाना होता है दुरीना पर, तो पहले मैं कहता हूँ कि सर 300 रुपये में हो जाएगी, सर कहीं कोई नुकसान तो नहीं होगा। बिल्कुल, मैं पूछता हूँ अपने तरफ से दुरीना वाले अपनी टीम को, सोमवीर सर को, बिंटू सर को, याजय सर को, जिनसे बात होती है उनसे मैं पूछता हूँ सर कोई नुकसान तो नहीं होगा आपको, क्योंकि सर्वर खर्च इतने लगते हैं, हमारा कोई यूट्यूब से सर्वर लेते नहीं हम लोग, बहुत लोग तो ऐसे ही चला देते हैं सर। मैं तो बिल्कुल हाँ, मैं भी यही कहता हूँ यार, अगर कहीं नुकसान होता हो तो पैसे ज्यादा लगते हैं जी, 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 और मैं महीने दो दो महीने तक लेता ही नहीं हूँ, बड़े यार कोई बात नहीं मुझे भी जरूरत नहीं। तो भी सहयोग होता है जब आपस में आपका रिलेशन अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग इन चीजों को नहीं देखना चाहिए और तभी लंबा चल पाते हैं, जरूरत है तो काम में लेते रहो। और ये देव शर्मा जी पूछ रहे हैं कि RS RPS SSB मैथ की बुक कौन सी, तो उस लेवल के हिसाब से पूछ रहे हैं शायद ये। अब तो सर हमारी बुक आ गई तो है जो सबके लेवल बिल्कुल आपकी भी बुक आती है, गुरु जी की बुक आती है, तो ये तो ठीक है आपकी भी, लेकिन फिर भी आपकी भी नहीं, मेरी बुक सबसे तगड़ी बुक है सर, ये बात तो पक्की है। नहीं बुक तो आपने जो टीचर बड़ा अच्छी निकाले तो इनको आप वाली बताएं। ठीक है कोई बात नहीं, और जो भी बच्चे हमारी बुक लिए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं सर, बच्चे तो संतुष्ट, वैसे तो कमियां निकालने वाले तो निकालते रहते हैं क्योंकि उसमें सर सारे एग्जाम जनरल कंप्यूटेशन के सारे एग्जाम को लेके आ गए, इसलिए बुक बड़ा मोटा हो गया सर। मुझे लग रहा है अपन बहुत लंबा हो गया वीडियो सर, लास्ट में 2 मिनट के लिए सम अप करते हैं सर। मैं तो कहता हूँ बच्चे का ना सर विश्वास होना चाहिए किसी भी एक गुरुजन पे और एक किताब पे सर, ठीक है। बबच्चे कहते हैं क्या पढ़े सर, बजाय 10 किताबें पढ़ने के आप 1 किताब को 10 बार पढ़ दो, और नेगेटिव लोगों से गुरुजी सावधान है रहना चाहिए, ठीक है। यही बात आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी अगर आप नेगेटिव लोगों से सावधान है। तो इसी के लिए मतलब गालिब की मैं शायरियां कभी सुना देता हूं सर, ठीक है। तो गालिब अक्सर कहा करते थे, एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है, एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है, अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। सही बात है बिल्कुल, तो एक ही टीचर पे विश्वास कर लो जी, एक किताब पे विश्वास कर लो और वो आपको मंजिल तक है लेकर जाएगी जी सर, बिल्कुल सही। चलो लास्ट में पूछता हूँ, आप अपने ऐसा कोई वाकया बताओ कि जो आपको याद रहा कि ऐसी कोई घटना हुई हो, क्योंकि YouTube पे आने के बाद ऐसी घटनाएं होती है, तो एक एक कोई ऐसी घटना कोई यादगार हो जाती है कई बार, जैसे कहीं जा रहे हो आप सोच रहे हो यहाँ तो अपना कोई जानकार नहीं मिलेगा, ऐसी कोई घटना की
सर मेरे साथ है ना 10.5 घंटे की एक क्लास ली थी सर, उसके बाद बच्चे जानने लग गए थे, तो एक बार रियल में खुशी हुई थी सर। मतलब मेरी भी मतलब ज़्यादा एज नहीं है सर, मैं सिस्टर के साथ कहीं शादी में गया हुआ था और वहाँ पे सर एक ऐसा ही लगा था जो मेरे से पता नहीं कहाँ, मतलब यूट्यूब पे ही पढ़ा होगा सर, वैसे ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं, आके सर मतलब 2 स्टार बंदा है और आकर कदमों के हाथ लगा रहा है सर ओए हाय हाय। मतलब सिस्टर सिस्टर को मैंने एक ही बात बोला, दीदी मेरी घर में इज्जत नहीं है, बाहर तो जानते हैं। तो ये बात है सर। हाँ, ऐसी ऐसी घटना कहीं हुई सर। एक बार लॉकडाउन के टाइम, पहला लॉकडाउन लगा था सर, तो उस टाइम मैं अपने घर से निकला, मैं सोच रहा था हाजीपुर से मुझे गांव भागना था कि मैं क्या करूंगा यहाँ शहर में रह के। उस समय सोमवीर सर भी आए हुए थे, मिंटू सर भी आए थे, तो मैं बाइक लेके निकला कि देखने के लिए कि भाई लॉकडाउन सच में है या नहीं है। पहला दिन ठीक है सर, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, हम दो बंदे थे, पकड़ लिया। उसके बाद पेपर ऊपर तो कुछ लेके गए नहीं थे, हेलमेट वेलमेट भी लेके नहीं, बगल में निकले थे, निकल के चौराहे पर जाते पकड़ लिया पुलिस ने। तो अब हमारे साथ जो एक लड़का था उससे पेपर ऊपर मांगने लगे, तब तक जो वहाँ ड्यूटी में बिहार पुलिस था वो बंदा मुझे पहचान गया, तो उसने और साथी को बुलाया कि अरे विपिन सर है, विपिन सर है, और सब ने हमारे साथ सेल्फी लेने लगे। और दरोगा परेशान कर रहा था पेपर के लिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पुलिस ने रिक्वेस्ट किया सिपाही जो थे कि सर ये जान पहचान के लोग हैं और विपिन सर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। तो तब जाके वो बंदा ने वहाँ छोड़ दिया। तो ऐसे दो तीन बार घटना घटी आपके साथ भी, तो गुरुजी शेयर कीजिए, अच्छा लगता है बहुत घटनाएं होती है। कई बार मटरगस्ती में ऐसे हो जाती है। मैं बहुत 3-4 साल पहले जयपुर गए थे, साथ में ही थे, तो अब जयपुर में अनुभव नहीं था गाड़ी चलाने का, तो हमने सोचा कि एक जानकार की अगर गाड़ी खड़ी करती वो अपने बस में ही चलती हूँ। अब बस में पीछे पीछे से खिड़की में खड़े मटरगस्ती कर रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे। अब मेरे आगे जो बैठा था उसका मुंह सामने था, अब मेरे बोलते ही वो पीछे मुड़ के सुभाष जी सर, मैं कह यार लाइफ भी एंजॉय नहीं हो सकती ना सर। हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या, आपकी लाइफ नहीं चल पाओगे सर, वो सीमित होती जाएगी और सीमित होती जाएगी। और पर सर रिस्पेक्ट मिलती है तो इतना तो चलेगा सर, इज्जत बच्चों से लगाव है ना सर। मैं लास्ट में ना दोनों गुरुजी की तरफ से बच्चों के लिए एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, ठीक है, जो सुभाष गुरुजी की तरफ से और आपकी तरफ से और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ सर, ठीक है। लाइफ में सर आगे बढ़ोगे ना तो मतलब है आपको गुरुजी बोलते हैं पैर खींचने वाले भी लाइफ में बहुत मिलेंगे, लेकिन इनको ना सोच करना, अपने मम्मी पापा को सोचना है सर। जैसे आपने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में 4 लोग, और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो लाइफ में ना सर अपने मम्मी पापा के लिए हमें कुछ करना है, ठीक है, और कुछ भी देर से बनो लेकिन जरूर बनो। लोग खैरियत नहीं गुरुजी ऐसियत पूछते हैं, जब वो आपसे पूछते हैं आप क्या करते हो तो वो इसलिए पूछते हैं कि इसको इज्जत कितनी देनी है, आपके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। सही बात है। तो मैं गुरुजी सभी बच्चों के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ गुरुजी की तरफ से, विपिन सर की तरफ से, आपको इस दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको नींद भी आई तो सोने नहीं देंगे। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मुस्कान हमें इतनी प्यारी है, हम मर भी गए तो क्या, पर आपको रोने नहीं देंगे, आपको रोने नहीं देंगे। क्या बात है। चलो ठीक है बच्चों जी, धन्यवाद।